सब्सक्राइब करने के लिए रेड बटन दबाएं और बेल आइकन दबाना ना भूलें। वेलकम टू माय चैनल सक्सेस विद सुधीर कुमार खोबे। संस्कृत अनुवाद में आज का हमारा प्रकरण है विभक्ति। संस्कृत अनुवाद को अच्छी प्रकार से समझने के लिए विभक्ति को समझना अच्छा है। विभक्ति का प्रयोग परस्पर संबंध व्यक्त करने के लिए किया जाता है। संस्कृत में संज्ञा तथा विशेषण की 8 जबकि सर्वनाम की 7 विभक्ति होती हैं। आओ विभक्ति कारक और उनके संयोजक शब्दों को समझें। कर्ता में प्रथमा, कर्म में द्वितीया, करण में तृतीया, संप्रदान में चतुर्थी, अपादान में पंचमी, संबंध में षष्ठी, अधिकरण में सप्तमी, संबोधन में प्रथमा होती है। अब संयोजक शब्दों को देखते हैं। कर्ता ने कर्म को करण से, संप्रदान के लिए को, अपादान से अलग होने के लिए संबंध काकी के रारी रे, अधिकरण में पर संबोधन हे हो अरे रे, ये इनके संयोजक शब्द होते हैं। संस्कृत में कारक कितने हैं सूत्र से समझें। साक्षात क्रियान्वय त्वम कारक त्वम, जिनका क्रिया से सीधा संबंध हो उसे कारक कहते हैं। संस्कृत में कारक 6 होते हैं। संबंध व संबोधन को कारक नहीं लिया जाता है। कर्ता कर्म च कर्मणम संप्रदानम तथेव च अपादाने अधिकरणे इत्यादि कारकाणि। इस सूत्र से समझें। स्वतंत्रतः कर्ता, कर्ता स्वतंत्र होता है और उसमें प्रथमा विभक्ति होती है। नामना प्रथमा विभक्ति स्यात, नाम में प्रथमा विभक्ति होती है। जैसे बालका पठति, राम है गमिष्यति, यानी कि यहाँ बालक है, बालक में प्रथमा है, और राम है, राम में भी प्रथमा है। प्रथमा विभक्ति हिंदी से संस्कृत अनुवाद के कुछ उदाहरण। एक बालक है, एक है बालका अस्ति, राम खाना खाता है, राम है भोजनम खादति, बालक और राम दोनों में प्रथमा एक वचन है। तीसरा उदाहरण देखते हैं। एक राजा था, एक है नृप आसीत, नृप में प्रथमा एक है, ते में प्रथमा बहुवचन है, नृपस्य सेवाम अकुर्वन, वे राजा की सेवा करते थे, इसमें ते है, ते में मक्खी उड़कर दूर चली गई, मक्षिका उड़ गई दूरम अगच्छत, किसान बारिश के बाद धान बोएंगे, कृषका वर्षाए वर्षाया अनंतरम धान्याम विपश्यंती, यहाँ किसान में और मक्षिका दोनों में प्रथमा है। यदि आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल एंड लाइक माय वीडियो।